नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका में आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। भाजपा मंडल द्वारा शोक सभा आयोजित करके सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा मंडल के अध्यक्ष संजीव धुड़िया के नेतृत्व में यहाँ पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताया गया। देखिए प्रकार से यहाँ पर श्रीमती सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष संजीव धुड़िया के नेतृत्व में पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गई है। एक प्रकार से यहां पर उन्हें पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी जा रही है। फाजिलका का जैसे फाजिलका में आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताया गया। इसके साथ ही यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय जनता महिला मोर्चा के कार्यकर्ता विशेष रूप से उपस्थित। एक प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? अज असी इत्थे प्राण महल वाले नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करने वास्ते इकट्ठे होए हैं, जिन्होंने आधा जीवन सारा समाज सेवा में लगा दी। देश की जो भी राजनीति के एक उन्हों का एक मिसाल है कि पार्टी को या समाज की सेवा करने वास्ते जो भी इन्होंने विदेश मंत्री रहने तो बाद जो भी किसी तरह के भी कोई बाहर की कोई बच्चों की या कोई महिला बाहर फस गए थे उन्होंने न्याणा वास्ते जो शुरुआत उन्होंने की वह शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के अगले नेता अगर बधा रहे हैं और उन्होंने जो शुरुआत सी जो उन्होंने काम करने की क्षमता उन्होंने सोच उनकी सोच को लैके असं अच्छ कार्यकर्ता बहुत दुखी हाँ। अज उन्होंने वर्गे नेता जो सू छ गए हैं उन्होंने अज याद असं सारे इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जो शुरुआती अखल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू होकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत सब तो कम उम्र के हरियाणा के मंत्री बने, उन्होंने उस तो बाद राष्ट्रीय राजनीति के कदम रखा। उन्होंने पूर्ति भारतीय जनता पार्टी के कदे नहीं हो सकती। ऐसी परमपिता परमात्मा अगर बेनती करते हैं कि उन्होंने आत्मा आदि चरणों में निवास दे, उन्होंने फिर साड़ी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने वास्ते इस मनुखी जीवन विच फिर तो साढ़े विच लिया। जय श्री राम। अज भारतीय जनता पार्टी के सारे इकट्ठे हुए हैं। हिंदुस्तान की उस विभूति उस शख्सियत
नमन करने के लिए उन्होंने श्रद्धांजलि देने के लिए मेरी बरात श्रीमती सुषमा स्वराज जिसने छोटी जी उम्र के राजनीति शुरू की 25 साल की उम्र हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बने और उस तो बाद सेंटर के उन्होंने जो वक् वक्या रह के चाहे वह पार्टी के संगठन के अहदे से चाहे सरकार के विदेश मंत्री रह के उन्होंने हज़ारा नौजवान जो ने बच्चे बच्चिया जो बाहर फॉरन के गई हुई उन्होंने जोड़े फस गए थे उत्थे उन्होंने हमेशा मदद की और इन्ने संवेदनशील से कि जो तक उन्होंने यकीन नहीं हो जाता कि वह बच्चे साढ़े वापस आ गए हैं उद तक उस काम बच्चे नहीं छते हमेशा है। हिंदुस्तान की जनता जो है उन्होंने मदर इंडिया के नाल करके पुकारते थे क्योंकि हमेशा जो बच्चों की उन्होंने बड़ी मदद की है। हिंदुस्तान की इस हिस्ट्री के उन्होंने ना जो सुनहरे अखर लिखा जाएगा क्योंकि वो हिंदुस्तान के सब तो वधिया पार्लीमेंटेरियन मैंबर पार्लीमेंट से अज असी उन्होंने यादा रह गई ने उन्होंने यादा के नाल हिंदुस्तान के लोग अज उन्होंने याद कर रहे हैं और एक एक गल उन्हों की जो अज साडे कन्न दे विच गूंज रही है भावें वह विदेश मंत्री रहे हैं भावें होर अहुदे ते रहे ने बड़े वधिया और मैं खास करके कहूँगा कि UN दे विच जो उन्होंने भाषण दिता सी वो सारी दुनिया ने सुनिया सी और सारी दुनिया के चर्चा रही है और मैं अपने वालों भारतीय जनता पार्टी वालों और साडे सारे कार्यकर्ता साडियां भैणां वालों उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करदा और मालिक अगे ही अरदास करदे हाँ कि उन्होंने अपने चरणों के स्थान देवे और हिंदुस्तान में जो ये वड्डा घाटा पिया है वो सहन शक्ति देवे और परमात्मा सारे सबनों वर्करां और सारे हिंदुस्तान की जनता ये वो ताकत देवे कि असी इस गम नूं इस दुख नूं सहन कर सकीए और उन्होंने पाए हुए पूर्णा तिथि चल सकी। आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के निधन पे सारे भारत में बहुत दुख है। सबसे अच्छे जिनको हम विदेश मंत्री कह सकते हैं वो रहे हैं वो भारत के और इतने अच्छे काम किए हैं भारत के लिए इतने अच्छे निर्णय लिए हम सबको दुख है। आज सारा भाजपा के सब कार्यकर्ता जिला दफ्तर में आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और प्रार्थना यही करते हैं कि उनको भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं जो कि हमारे पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का निधन हुआ है उसके हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं नमन करते हैं हम जो कि आज पूरे देश को आज जो नुकसान क्षति हुई है उनके जाने की वो देश में उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। हम परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी श्रद्धा के फुल भेट करने वास्ते BJP वालों आप अज इतने इकट्ठे हुए हैं। जिमें कि वर्मा जी ने बड़े विस्तार के नाल उन्हां दी जीवनी दा उन्हां दा समाजिक अहुदा उन्हां दा राजनीतिक अहुदा राजनीति च उन्हां दा की मतलब स्थान सी उन्दे बड़े 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 विस्तार नाल दस्या जिमें कि इन्हां ने दस्या सारिआं नालों छोटी उम्र के 25 साल की उम्र हरियाणा की कैबिनेट के कैबिनेट मिनिस्टर बने हरियाणा स्टेट दे प्रेजिडेंट भी रहे BJP सरकार दे विच उह सारनों पहले लेडीज़ यूनियन मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेई जी की सरकार मोदी सरकार विच विदेश मंत्री रहे उन्हां दी प्राप्तियां तो बहुत ने जिन्नियां मर्जी आपां गिणाईए मुकदियां ही नहीं जिवें कि वह बड़े वधिया स्पीकर सन जदों वह बोलते सन तो संसार जिहड़ा सी उन्हां दी स्पीच नूं सुणदा सी वो दिल के बड़े साफ सन किसी नाल वैर विरोध उन्हें नहीं सी हुंदा कदे भी आपां उन्हां दी स्पीच सुनीए वो किसी दे पार्टी दे अगेंस्ट नहीं सी बोलते वो हमेशा ही जिहड़ा सी देश हित दे विच वो पार्लीमेंट जां संसद दे विच आपदा भाषण जां जो कुछ भी उन्होंने आपदे विचार रखने हुंदे सी रखते सी जिवें कि अज आपां उन्हां दे सरमनी दे उत्ते जिहड़ी अज उन्होंने अगली भेट की गई है उत्थे जेकर आप वेख्या सारिया ने भी हर पार्टी का जिहड़ा सी वर्कर भी उत्थे पहुँचाया सी हर पार्टी के जिहड़े सरमौर लीडर सी उत्थे पहुँचे सी जिस तो साफ जाहिर हुंदा है कि हर पार्टीज़ के जिहड़े
लीडर साहबान से उन्होंने दिल में उन्होंने कि प्यार स्नेह से लास्ट में जिमें मैनी साहब ने दसा कि जिस जे श्रद्धांजलि देन का मतलब यही हों जो उस इंसान के गुण सन असी श्रद्धांजलि भेट कर लग्या उन्होंने गुणा धारण करिए कि जिस तरह उन्होंने साडे देश लई वध तों वध काम किया देश वास्ते उन्होंने हर तरह के दुख भी सहे ने जो ते उन्होंने देश की तरक्की विच बहुत हिस्सा पाया। मैं परम पिता परमात्मा अगे हथ जोड़ के बेनती करता हाँ कि परमात्मा उन्होंने उन्हों की रूह आपके चरणों में निवास देन अते पिछे जो बीजेपी के वर्कर ने उन्होंने रिश्तेदार ने दोस्त ने उन्होंने ये जड़ा सह दुख होया उस सहन का बल बख्शे परमात्मा। मैं यही दुआ करता हो आपकी जगह लेंदा हाँ। धन्यवाद।